दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंजू यादव ब्लॉग में। नमस्ते, आप सब कैसे हैं कमेंट में बता दीजिएगा। और आज का मुद्दा है, आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी के पास तुरंत पहुँचे। और आज की बात है, आज का मुद्दा यही है कि जैसा कि आप लोगों ने कल वीडियो मैंने डाला था, एक आप लोगों ने देखा कि गोरखपुरिया भज्जी जो हैं उनके हस्बैंड जी मिल चुके हैं। तो ये तो सच है कि उनके हस्बैंड जी मिल चुके हैं, लेकिन नेपाल के उस बॉर्डर के पार थे, नेपाल में है उस पार है। तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। गोरखपुरिया भौजी कल तो निकल गई उनको लेने के लिए, पर नहीं मिले, नहीं अभी मिल नहीं पाई हैं वो, मतलब बाहर ही हैं, बॉर्डर के उस पार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो इसी की वजह से बॉर्डर सील किया गया है, तो बॉर्डर के उस पार ना कोई जा पा रहा है, ना उधर से कोई आ पा रहा है। मुद्दा यही है। और दूसरी बात कि वो वहाँ गई और यहाँ, जैसे कि मतलब सारी मुसीबत उन्हीं के ऊपर आ रहा है। जैसे सच में कहते हैं ना लोग कि जब परेशानियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, और नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो कभी खुशी कभी गम तो लगा ही रहता है दोस्तों, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो उधर गई, एक खुशी मिला, दूसरा दुख तैयार हो गया उनके सर पे। अब वो उधर निकली, इधर छनछन बेटी का उनके मतलब पेट जल गया, दूध गर्म था, दूध गिर गया उनके पेट पे। और भाभी जी जो थी वो थी बॉर्डर पे और वो आ भी नहीं पाई, लेकिन उनकी बेटी का हालत हो गया ख़राब और उनकी जल गई, पेट पे एकदम छाले छाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों अभी कुछ आता पता नहीं आया है, नया अपडेट भी नहीं आया है कि मतलब वो पहुंची उनके पास या नहीं आई हैं। तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों को बता दें कि मतलब उधर वो भैया मिले, लेकिन उनकी बेटी की हालत ख़राब हो गई, वो जल गई। तो दुख की बात बहुत है कि मतलब खुशी मिला भी तो दूसरा दुख तैयार हो गया। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट में बताना कि उनके ऊपर कोई टोना टोकटक किया है। मैं तो इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जब इस तरह से अनहोनी होती रहे तो विश्वास कर भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ उनके साथ। और बार बार अटैक उनके छनछन बेटी के ही ऊपर हो रहा है। एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ और दूसरी बार हो गई कि मतलब पेट जल गया। तो बार बार पता नहीं क्यों ऐसे उन्हीं के उसी के साथ हो रहा है, छनछन बेटी के साथ। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट में बताना, क्या लगता है आप लोगों को कि सच में उनके ऊपर कोई कुछ कर दिया है, या कोई जादू मंत्र का क्या चीज़ है, किसकी नज़र लग गई है बेचारी को, इतना खुश रहा करती थी। आप लोग कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना।